साथियों, मैं प्रसेनजीत बैस आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, पंचायत निर्वाचन उत्तर प्रदेश 2021 के अंतर्गत आप सभी की सहायता के लिए मैंने यह वीडियो सीरीज प्रारंभ की है। यदि आपकी भी ड्यूटी किसी न किसी रूप में पंचायत निर्वाचन में लगी है तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हमारा आज का टॉपिक है चेक लिस्ट से मतदान सामग्री का मिलान करना व जांच करना। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर मित्रों को शेयर कर दीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं उन सभी महत्वपूर्ण मतदान सामग्रियों के बारे में जिनकी आवश्यकता हमें मतदान के दौरान होगी। निर्वाचक नामावली की प्रतियां। मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियां मतदान दल को दी जाएंगी। निर्वाचक नामावली में आप यह सुनिश्चित कर लें कि निर्वाचक नामावली उसी बूथ की है जिस पर आप मतदान कराने जा रहे हैं। निर्वाचक नामावली में सभी पेज क्रम से हैं। निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक क्रम से हैं। निर्वाचक नामावली में कोई कटिंग या ओवरराइटिंग तो नहीं है। निर्वाचक नामावली की सभी प्रतियां एक जैसी हैं। बैलेट पेपर या मत पत्र, आपको 4 रंगों के मत पत्र दिए जाएंगे जिसमें से सफेद रंग के मतपत्र ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए, हरे रंग के मतपत्र ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए, नीले रंग के मतपत्र क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए और गुलाबी रंग के मतपत्र जिला पंचायत सदस्य पद के लिए होंगे। मतपत्रों में आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतपत्रों पर प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार चुनाव चिन्ह मुद्रित हो, मतपत्रों पर चुनाव चिन्ह स्पष्ट रूप से मुद्रित हो, मतपत्र मतदाताओं की संख्या के अनुसार पर्याप्त हो, मतपत्रों के क्रमांक मतपत्रों के साथ प्राप्त विवरण के अनुसार हो, मतपत्रों के क्रमांक संगत प्रतिपर्णों के क्रमांक से मेल खाते हो। आप किसी पेपर पर यह भी नोट कर लें कि आपको किस रंग के मतपत्र किस क्रमांक से किस क्रमांक तक के उपलब्ध कराए गए हैं एवं प्रत्येक रंग के कुल कितने मतपत्र प्राप्त कराए गए हैं। यह जानकारी आपको मतदान के बाद मतपत्र लेखा बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ब्लू पेपर सील या नीली पत्र मुद्रा, मतदान प्रारंभ करने से पूर्व मत पेटी को सील करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में ब्लू पेपर सील उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध कराई गई ब्लू पेपर सीलों के क्रमांक आप किसी पेपर पर नोट कर लें। यह जानकारी आपको मतदान के बाद पत्र मुद्रा लेखा बनाने में सहायक होगी। मत पेटियां। मतदान को संपन्न कराने के लिए आपको 2 मतपेटियां दी जाएंगी। आप यह जांच कर लें कि दोनों मतपेटियां आसानी से खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। अमिट स्याही की सीसी व स्टाम्प पैड। मतदान के दौरान मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून और त्वचा पर सम्मिलित रूप से लगाने के लिए आपको अमिट स्याही की सीसी दी जाएगी। आप यह जांच कर लें कि उसमें पर्याप्त मात्रा में स्याही है अथवा नहीं। इसके साथ ही मतदाता के अंगूठे का निशान लेने के लिए आपको एक स्टाम्प पैड भी दिया जाएगा। स्टाम्प पैड में आप यह जांच कर लें कि इसमें स्याही है और यह सूखा तो नहीं है। प्रत्याशियों की सूची व निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना। मतदान के दिन मतदान प्रारंभ कराने से पूर्व
आपको मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी होती है। इसके लिए प्रत्याशियों की सूची व निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना आवश्यक होता है। अतः मतदान स्थल के लिए प्रस्थान करने से पूर्व आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपको यह सूची प्राप्त हो गई है। सुभिन्नक या सुभेदक मोहरें। मतदान संपन्न कराने के लिए आपको दो प्रकार की सुभिन्नक मोहरें दी जाएंगी, जिसमें से सिंगल बॉर्डर वाली मोहर ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान के मत पत्र के पीछे तथा डबल बॉर्डर वाली मोहर क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के मत पत्र के पीछे लगाई जाएगी तथा प्रविष्टियों की पूर्ति करने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। धातु की मोहर। मतदान सामग्री जमा करने से पूर्व लिफाफों को सील करने के लिए तथा मतपेटी को सील करने के लिए धातु की एक मोहर की आवश्यकता होती है। आप यह सुनिश्चित कर लें कि धातु की मोहर आपको प्राप्त हो गई है अथवा नहीं। एरो क्रॉस मोहरें। मतदान सामग्री के साथ आपको चार एरो क्रॉस मोहरें दी जाएंगी। इन मोहरों के दोनों सिरों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। मतदाता द्वारा इसी मोहर की सहायता से मतपत्र पर अपना मत अंकित किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है, अतः मतदान स्थल के लिए प्रस्थान करने से पूर्व आप देख लें कि आपको चार एरो क्रॉस मोहरें प्राप्त हो गई हैं अथवा नहीं। विभिन्न प्रपत्र एवं लिफाफे। मतदान सामग्री जमा करने से पूर्व मतदान दल को कुछ प्रपत्र भरकर लिफाफों में सील करने होते हैं। अतः आप प्रपत्र 41 का में दिए गए विवरण के अनुसार सभी प्रपत्र और लिफाफे प्राप्त हो गए हैं, इसकी पुष्टि कर लें। इसके बाद ही मतदान स्थल के लिए प्रस्थान करें। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपनी जिज्ञासाएं और सुझाव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ और जानकारी के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद।